नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप अपने घर पे अच्छे से होंगे और अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक मैंने जो भी वर्क कराया है, आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? विशेषण। ओके, विशेषण क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा, रंग तथा अवस्था आदि की विशेषताएं बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा भी आपको पता है, संज्ञा कहते किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जो सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए थे उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इन दोनों के गुण, यानी किसी के गुण बताना कि कोई अच्छा है, बुद्धिमान है, चतुर है, दयालु है, ये उसके क्या है? गुण है। दोष क्या है? कि उसमें से कोई बेईमान, झूठा, लालची, के मूर्ख है। संख्या क्या है? हमें संख्या बतानी कि एक, दो, तीन, चार बताते हो। मात्रा यानी कोई चीज कम है, ज्यादा है, थोड़ी है, अधिक है, के और रंग यानी काला है, गोरा, पीला, हरा, उसके रंग बताना। अवस्था मीन्स जैसे वो कमजोर है, धनी है, निर्धन है, स्वस्थ है, ये उसकी आदि की विशेषताएं। इनकी जो विशेषताएं बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ओके, और जिन शब्दों की विशेषता बताई थी ये तो हमारे क्या है? विशेषण है। लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई थी तो ये क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जैसे पेड़ लंबा है। पेड़ क्या है? लंबा है। पेड़ की विशेषता क्या है? कि वह लंबा है। क्या है पेड़ की विशेषता? कि वह लंबा है। किसकी विशेषता है? पेड़ की। तो पेड़ क्या हो गया? विशेष्य हो गया हमारा। ओके, राजा दयालु था। राजा कैसा था? दयालु। तो राजा की विशेषता क्या है? कि वह दयालु था। क्या विशेषता है राजा की? कि वह दयालु था। किसकी विशेषता है ये? राजा की। तो राजा हमारा क्या है? विशेष्य है ना। राजा की विशेषता क्या है? कि वह दयालु था। किसकी? राजा की। तो राजा क्या है? विशेष्य। दयालु क्या है? विशेषण। लकड़हारा गरीब है। लकड़हारा कैसा है? गरीब है। तो गरीब क्या है? उसकी विशेषता है ना। किसकी? लकड़हारे की। तो लकड़हारा क्या है? विशेष्य। किसकी विशेषता है? लकड़हारे की। क्या विशेषता है? कि वह गरीब है। ठीक है, पेड़ लंबा है तो पेड़ की विशेषता है कि वह लंबा है। राजा दयालु था तो राजा की विशेषता क्या है? कि राजा दयालु था। लकड़हारा की विशेषता क्या है? कि वह गरीब है। ओके, अब विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनाम विशेषण। ये आपका विशेषण की परिभाषा हो चुकी है और विशेषण के भेदों का मैंने समझा दिया है। आशा करती हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसे आपकी फेयर नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर कॉपी में कंप्लीट करना है और इसको याद भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके भेद आपको, भेदों की परिभाषा सेंड करूँगी। ओके, हैव ए नाइस डे।